वन पंच मैन। जैसे कि आप सबको पता है, वन पंच मैन हाल फिलहाल के समय में सबसे लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमे में से एक है। अब तक इस एनिमे के 2 सीजन आ चुके हैं और हर एक सीजन में कुल मिला के टोटल 12 एपिसोड है। वन पंच मैन का सीजन 2 2019 में आया था और अब तक सीजन 3 कब आएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको अभी सीजन 3 को देखना है तो यह वीडियो पूरा देखे, मैं हर एक एपिसोड को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं वन पंच मैन के पूरे यूनिवर्स को हिंदी में आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस के अंदर। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि वन पंच मैन की स्टोरी के ओरिजिनल राइटर का नाम ही वन है, हाँ, ONE वाला वन, और इसका चित्रीकरण यानी इलुस्ट्रेशन मांगा में मास्टर यूसुके मुराका ने किया है। और यह जो बंदा है वो इतना इंसेंट मांगा की ड्राइंग्स करता है कि अगर आप वन पंच मैन की मांगा की ड्राइंग्स आप लोग अगर देखोगे तो उसके आर्ट के आगे एनिमेशन भी फीका लगने लगता है। और जो 2 सीजन आए हैं वो इसी मांगा की ही स्टोरी को फॉलो करते आए हैं। अब तक जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ अब तक मांगा में टोटल 149 चैप्टर्स आ चुके हैं और सीजन 1 था जो कि लगभग 40 मांगा चैप्टर्स मिला के बनाया था और सीजन 2 में भी 43 के आसपास जितने चैप्टर्स मिला के बनाया गया था, यानी सीजन 3 जो शुरू होगा वो चैप्टर 85 से शुरू होगा। मैंने मांगा की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चेक कर लो। तो अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर बैठ जाओ और अब मैं सीजन 3 एपिसोड 1 को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीजन 2 के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि गारोव जो कि अनकॉन्सियस पड़ा है उसको फीनिक्स मैन उठाकर ले जा रहा है और फीनिक्स मैन गारोव को कहता है कि उसे वो मॉन्स्टर हाइडआउट में ले जा रहा है और जल्द ही वह मॉन्स्टर किंग ओरोची से मिलने वाला है। अगर आपको पता नहीं है कि फीनिक्स मैन कौन है तो मैं बता देता हूँ कि फीनिक्स मैन एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जिसे अपनी पावर उस फीनिक्स की कॉस्ट्यूम पहनने से मिलती है और अंदर उसकी बॉडी इंसान की है, जैसा आपने वॉचडॉग मैन को देखा होगा। इसके आगे सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हमें हीरोज एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाई देता है जहां एसोसिएशन के टॉप ऑफिसियल्स जो सीजन 2 में गारोव और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने जो कांड किया है उसके ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। एक ऑफिसियल सिच से पूछता है कि उसने सिल्वर फैंग को हीरो हंटर गारोव को पकड़ने के लिए भेजा था और वो उसमें असफल रहा, क्या अब हम सिल्वर फैंग में विश्वास कर सकते हैं? अब तुम इसमें क्या करने वाले हो सिच? उसके जवाब में सिच कहता है कि गारोव को हमें अब मॉन्स्टर घोषित कर देना चाहिए और एक टॉप हीरोज की टीम उसे पकड़ने के लिए भेजनी चाहिए। फिर उसके बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन के शो ऑफ के कारण बहुत सारे ऑफिसियल्स सिच नाम के ऑफिसियल से कहते हैं कि हमें अब ब्लास्ट को बुलाना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि ब्लास्ट क्लास S रैंक नंबर 1 का हीरो है। उसके जवाब में सिच कहता है कि ब्लास्ट को हम ऑर्डर नहीं दे सकते, वो अपने मर्जी का मालिक है और जब पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में होगी तभी वो सबके सामने आएगा। यह सब लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मोटा आदमी जिसका नाम नारांकी होता है वह गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर आता है और सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता, मेरे बच्चे को मॉन्स्टर्स उठा के ले गए हैं और तुम लोगों की बस बातचीत चालू है, अब तक उन मॉन्स्टर्स पर अटैक क्यों नहीं किया? 24 घंटे हो चुके हैं मेरे बच्चे को किडनैप हुए और अभी तक हीरो एसोसिएशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये नारांकी एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है और ये हीरो एसोसिएशन के लिए पैसों की फंडिंग करता है, इसलिए ये इतना चोर दिखा रहा है और सभी इसकी हर बात मानते हैं। तभी वहाँ और एक ऑफिसियल आता है जिसकी राइट वाली आंख रोबोटिक होती है। वो आदमी नारांकी से कहता है कि हम उसे बचा लेंगे, मैं आपको जबान देता हूँ। मॉन्स्टर हेडक्वार्टर की लोकेशन फाइंड करने पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहे, आप बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, हम जल्द ही कामयाब होंगे। इस पर नारांकी उसे पूछता है कि तुम कौन हो? उसके जवाब में वो ऑफिसियल जवाब देता है कि मेरा नाम सेकिंगार है और मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का कमांडर अफसर हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 हीरोज के एक ग्रुप को जिसमें एक का नाम होता है सुपर एलॉय डार्क शाइन, दूसरे हीरो का नाम पिग गॉड और तीसरा हीरो जो की होती है हमारी सबकी प्यारी लवली तात्सुमकी। इनकी रैंक मैंने वीडियो में दिखाई है, आप देख लो। ये तीनों सेकिंगार के सामने होते हैं। फिर उनमें से तात्सुमकी सेकिंगार से घमंडी भाषा में बोलती है कि तुम्हें प्लान व्यान की भी जरूरत नहीं है, मैं बस वहां जाऊंगी और इसे जल्दी से संभाल लूंगी जैसे मैं हमेशा से करती हूँ, क्या तुम्हें अब तक उनका हाइडआउट नहीं मिला? मैं बता देता हूँ कि तात्सुमकी क्लास S रैंक 2 की हीरो है और वह वन पंच मैन में सबसे पावरफुल इस पर है, इसलिए वो इतनी घमंडी है और उसे घमंड भी करना चाहिए क्योंकि वो सच में बहुत पावरफुल साइकिक लेडी है। आपको आगे की स्टोरी में उसकी पावर का अंदाजा होगा। यह सब सुनकर सेकिंगार बोलता है कि चाइल्ड एम्पायर जो कि एस क्लास रैंक 5 का हीरो है वो मॉन्स्टर हाइड आउट ढूंढने में लगा है
फिर हमें चाइल्ड एम्पेरा का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने रिमोट कंट्रोल से बहुत सारे ड्रोन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि एल्डर सेंटीपेड की टनल्स के डायरेक्शंस में खुदाई कर रहे होते हैं। फिर सीन फिर से तात्सुमकी और सेकिंगार के ऊपर आता है जहां तात्सुमकी सेकिंगार से बोलती है कि हमें पता है कि मॉन्स्टर का हाइड आउट जेड सिटी में कहीं पर है, तो हम ऐसा करते हैं कि पूरी सिटी को ही तबाह करते हैं। और तात्सुमकी के पास इतनी ज्यादा साइकिक पावर है जिससे वो बड़े आराम से किसी भी सिटी को एक चुटकी में तबाह कर सकती है। ये सुनकर सेकिंगार बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मॉन्स्टर के पास एक होस्टेज है और हमें उसे बचाना है किसी भी हाल पर। फिर आगे तात्सुमकी बोलती है, वो मॉन्स्टर इस तरह की घटिया रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें मुझसे डरना चाहिए। इसके जवाब में सेकिंगार तात्सुमकी से कहता है कि तुम्हें इस बार अपने विरोधियों को कम आंकना नहीं चाहिए, इस बार वह पहले से ज्यादा पावरफुल है। और यह सेकिंगार की बात आगे के चैप्टर्स में सच होने वाली है, आप बस देखते रहो। इसके जवाब में तात्सुमकी सेकिंगार से बोलती है, ठीक है तुम बेकार में विलेंस को ओवररेटेड कर रहे हो, क्या तुमने हमें बस यह बकवास वार्निंग देने के लिए बुलाया है क्या यहाँ? सेकिंगार बोलता है कि नहीं, लेकिन सच तो यह है कि कल ड्राइव नाइट ने अपनी जांच जारी रखी थी और वो अकेले ही घोस्ट टाउन में चला गया है और हमारा उससे संपर्क भी टूट गया है। यह सुनकर डार्क शाइन बोलता है कि ड्राइव नाइट अकेले क्यों गया उस जगह। उस पर सेकिंगार बोलता है कि ड्राइव नाइट ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और उस रात हमारा उससे संपर्क भी टूट गया, अब हमें ड्राइव नाइट को अब डिफीटेड अज्यूम करना चाहिए। यह सुनकर तात्सुमकी कहती है कि अगर ये सच है तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, और कौन कौन हीरो है हमारे टीम में? सेकिंगार बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन की मोहलत दी है और हमारे पास अब भी समय है, और मुझे भरोसा है कि बाकी के हीरोज भी जल्द से जल्द प्रीपेयर होकर टीम में शामिल होंगे समय पर। फिर सीन शिफ्ट होता है ज़ोंबी मैन पर, जो कि रैंक 8 का एस क्लास का हीरो है। वो एक गली में एक हाउस के आगे खड़ा होता है और वो बोलता है कि यही वह जगह है, तुम पकड़े गए। अब ज़ोंबी मैन ने किसे पकड़ा है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है जहां और एक हीरो का ग्रुप आता है जिसमें होते हैं क्लास एस रैंक 4 हीरो एटॉमिक समुराई और उनके स्टूडेंट हीरो क्लास ए रैंक 2 इहायान, हीरो क्लास ए रैंक 3 भूशी ड्रिल और हीरो क्लास ए रैंक 4 ओकामाइताची। तभी एटॉमिक समुराई चिल्लाते हुए कहता है कि उन्होंने एक बच्चे को बंधक बना लिया। उसके रेस्पॉन्स में डार्क शाइन पूछता है कि क्या तुम्हें पता नहीं एटॉमिक समुराई कहां थे तुम इतने समय से? उसके जवाब में एटॉमिक समुराई बोलता है कि हम मॉन्स्टर हंटिंग के लिए चले गए थे, हमने हर एक पहाड़ हर एक खंडहर में जाके छुपे हुए मॉन्स्टर्स को ढूंढ कर मार डाला, लेकिन हमें उनका मॉन्स्टर हेडक्वार्टर कहीं नहीं मिला। उस पर डार्क शाइन बोलता है कि हीरो एसोसिएशन ने कहा है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट जेड सिटी के घोस्ट टाउन में कहीं है। डार्क शाइन की यह बात सुनकर एटॉमिक समुराय सरप्राइज होकर कहता है कि क्या उन्हें हाइड आउट मिल गया? और यहां अब एटॉमिक समुराय एक ऐसी बात बोलता है जो बात उसके लिए आगे जाकर उल्टी पड़ने वाली है। एटॉमिक समुराय बोलता है कि ठीक है, एक सीधा फ्रंटल अटैक करके मैं आराम से फाइट निपटा लूंगा, और वो उनके स्टूडेंट को रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी वहां और एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है आमाई मास्क, और यह क्लास ए रैंक 1 का हीरो है, और हीरो वर्क के अलावा यह एक बहुत बड़ा पॉप स्टार और एक एक्टर है जिसकी फैन फॉलोइंग सभी हीरोज में सबसे ज्यादा है। एटॉमिक समुराय के स्टूडेंट्स को देखकर आमाई मास्क उनका बहुत मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ऐसे इम्पोर्टेंट मिशन के लिए इन बच्चों को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो एटॉमिक समुराय, और वो बहुत बेइज्जती करता है एटॉमिक समुराय के स्टूडेंट्स की। मैं बता देता हूँ कि वन पंच मैन के वर्ल्ड में हीरोज की काबिलियत उनकी रैंक और सोशल मीडिया पर उनका इम्पैक्ट कितना है उसके आधार पर करी जाती है। इसके कारण कुछ टॉप के पावरफुल हीरोज जिन हीरोज की रैंक कम है उनको बहुत गिरी हुई नजरिए से देखते हैं। अगर अपने सीजन 1 के एक एपिसोड में देखा होगा कि यही एटॉमिक समुराय जब साइतामा से मिलता है तब वो साइतामा की इंसल्ट करता है क्योंकि साइतामा तब रैंक बी का हीरो था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि टॉप हीरोज का ऐसा एक दूसरे के साथ का व्यवहार ठीक नहीं है, और यह आगे जाके उन पर भारी पड़ने वाला है। आमाई मास्क की उच्च नीच बात सुनकर दोनों हीरोज एक दूसरे को बहुत गलत बातें बोलते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि मॉन्स्टर से फाइट होने से पहले ही ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जेल दिखाया जाता है जहां से एक कैदी बाहर निकल रहा होता है। यह एक क्लास एस रैंक 17 का हीरो है और इसका नाम पूरी प्रिजना होता है, और मैं इसके बारे में एक फनी बात बताता हूँ कि ये हीरो नंगा होके फाइट करता है जिसे वो एंजल फॉर्म कहता है। हमें पता है ये नंगा होके एंजल जैसा तो नहीं दिखेगा, और एक बात यह है कि यह हर बार हीरो वर्क करने के लिए जेल तोड़ के निकल जाता है और जेल के कैदी इसे अपना बॉस मानते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है जो कि जेल तोड़कर कई सारे कैदियों को भगाकर ले जाता है।
ये मॉन्स्टर कौन है मैं आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगा। फिर जेल का चीफ वार्डन पूरी पूरी प्रिजनर से कहता है कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स उस मॉन्स्टर ने मार दिए और कैदी भी भगा ले गया, तुम इसका बदला उन मॉन्स्टर से ले आओ। इसके जवाब में पूरी पूरी प्रिजनर कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी वह एक कैदी भाग भाग कर आता है और वह पूरी पूरी प्रिजनर को एक स्वेटर देता है जो कि उस कैदी ने पूरी पूरी प्रिजनर के लिए बनाया था। यह देखकर पूरी पूरी प्रिजनर बहुत खुश होता है और वह बोलता है कि बहुत शुक्रिया, यह मुझे और ज्यादा साहस देगा। फिर कहानी का सीन एक हाईटेक लैब पर शिफ्ट होता है और ये लैब क्लास एस रैंक 5 हीरो चाइल्ड एम्पेरर की होती है, जहां चाइल्ड एम्पेरर अभी भी मॉन्स्टर्स का हाइड आउट ढूंढने में लगा था और वहां और कुछ हीरो एसोसिएशन के अफसरों को हम देखते हैं। तभी चाइल्ड एम्पेरर उनको बोलता है कि तुम लोग बाहर वेट करो, मैं काम पूरा होते ही मैं आपको बता दूंगा। और हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्पेरर मेटल नाइट से कॉन्टेक्ट करता है। मैं बता देता हूँ कि मेटल नाइट एक क्लास एस रैंक 6 का हीरो है और चाइल्ड एम्पेरर मेटल नाइट का असिस्टेंट था। अब आप लोग इन दोनों की बातें ध्यान से सुनो क्योंकि आपको यह बातें आगे की स्टोरी में बहुत काम आएगी, खासकर मेटल नाइट की पर्सनैलिटी और उसके मोटिव को समझने में। तभी दूसरी साइड से जवाब आता है कि यह क्या है, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। ये सुनकर चाइल्ड एम्पेरर बौखला जाता है और वो मेटल नाइट से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले से ही उनके हाइड आउट की लोकेशन जानते हैं, है ना, या फिर क्या आप होस्टेज को मरने के लिए छोड़ने वाले हो। ये सुनकर मेटल नाइट चाइल्ड एम्पेरर से काउंटर क्वेश्चन करता है कि अगर मैं आपको नहीं बताता तो मैं एक बंधक को मार दे रहा हूँ, और अगर मैं आपको बता दूं तो मैं आप सभी को आपके कयामत में होस्टेज के साथ भेज दे दूंगा, इसलिए मैं अपने न्याय के आधार पर सबसे योग्य डिसीजन ले रहा हूँ। मेटल नाइट की बात सुनकर हमें समझ आ रहा होता है कि वो हीरोज को इस मिशन के लिए जाने नहीं देना चाहता। फिर ये सुनकर चाइल्ड एम्पेरर बोलता है कि तो अगर ऐसा है तो तुम हमें ज्वाइन कर लो इस फाइट में। मेटल नाइट, आपको किस बात का इतना डर है, आपके मेटल नाइट यूनिट को किस प्रकार के मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय किया। ये सुनकर मेटल नाइट थोड़ा चुप्पी साध लेता है, फिर कुछ देर बाद वो कहता है मॉन्स्टर किंग ओरोची ने, मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है कि इसने क्या किया, मुझे इस बात की शंका है कि उसने मेरे मेटल नाइट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट होने से पहले ही पूरे यूनिट को डिस्ट्रॉय किया था उसके टेंटिटिकल से। ये सब कहते समय हमें मेटल नाइट का वो यूनिट दिखाई देता है जो कि मॉन्स्टर किंग ओरोची ने डिस्ट्रॉय किया था और मॉन्स्टर उस पर कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद इनकी बात आगे बढ़ती है और मेटल नाइट बोलता है कि मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोई डर नहीं है, मुझे चिंता तो इस बात की है कि वहां दुनिया पर नजर रखने वाली अन्य बुराइयां मौजूद हैं, और जब मानवता अपने सबसे कमजोर बिंदु पर खुद को पाती है तो वे सब अटैक करेंगे और सब कुछ ले लेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये दो लाइन मेटल नाइट ने जो कही है वो पूरे वन पंच मैन की स्टोरी का नींव रखने वाली है। और मेटल नाइट जाते जाते चाइल्ड एम्पेरर को एक सलाह देते हुए बोलता है कि तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, अपने तरफ से किसी पर भी भरोसा मत करना, न्याय के लिए लड़ने के लिए तुम्हें केवल स्वयं की आवश्यकता है, इसके लिए अपनी शक्ति बढ़ाओ और उसे अपने पास संभाल कर रखो चाइल्ड एम्पेरर। ये सुनकर चाइल्ड एम्पेरर हताश होता है और बोलता है कि ये क्या टाइम पास है, मुझे उस हाइड आउट ढूंढने की जरूरत है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे वन पंच मैन की शान और मेरी जान सबकी चहेती ब्लिजार्ड ऑफ हेल बेस्ट वाइफू फुबुकी को। फुबुकी एक अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रही होती है और वह मनहेमन बोल रही होती है कि ब्लिजार्ड ग्रुप तबाह हो गया है और इसकी सारी जिम्मेदार मेरी बड़ी बहन तात्सुमा की है, बट फिर अभी यह घड़ी इमरजेंसी की है और मुझे इस ब्रांच के ब्लिजार्ड ग्रुप से मीटिंग करनी होगी। यहाँ फुबुकी साइतामा के अपार्टमेंट में आई होती है और वो साइतामा और जैनोस के बारे में यह सब बोल रही होती है। मैं फुबुकी बारे में थोड़ी बातें आपको बताता हूँ कि फुबुकी एक क्लास बी और रैंक 1 की हीरो है और यह अपनी बड़ी बहन तात्सुमाकी की तरह ही एक साइकिक होती है, लेकिन इसके पास तात्सुमाकी जितनी पावर्स तो नहीं है, यह तात्सुमाकी से बहुत वीक है। और फुबुकी क्लास बी में जो कुछ हीरोज होते हैं उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करती है किसी पर दमदाटी करके, तो कोई अपनी मर्जी से शामिल होता है। आपको सीजन 2 का एपिसोड 2 तो याद होगा, इसने साइतामा को भी अपने ब्लिजार्ड ग्रुप में शामिल करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन साइतामा ने इसको और इसके चमचों को अच्छा सबक सिखाया था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फुबुकी साइतामा को अपने ग्रुप में शामिल करने का हर एक प्रयास करती है। वो अपने मन ही मन से साइतामा और जेनोस की बॉस मानती है खुद को और उन पर हुक्म झाड़ने का प्रयास करती है, लेकिन कोई भी इसे भाव नहीं देता। आप आगे देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। अब हम अपनी स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फुबुकी साइतामा के दरवाजे की डोरबेल बजाती है और दरवाजा एक बुरा शख्स खोलता है जो कि हम देखते हैं वो बॉम्ब होता है, बैंक का बड़ा भाई। उसे देखकर फुबुकी चौंक जाती है और बॉम्ब भी फुबुकी को देखकर सोचता है कि फुबुकी साइतामा की गर्ल वाली फ्रेंड है, और वो उसे अंदर ले जाता है और बोलता है कि रूम में जाओ, सब लोग बैठे हैं वहां।
फुबुकी अंदर जाके चौंक जाती है क्योंकि वहां साइतामा और जैनोस के साथ क्लास एस रैंक 3 हीरो सिल्वर फैंग, जिसका की ओरिजिनल नाम बैंग होता है, और दूसरा हीरो क्लास एस रैंक 7 हीरो किंग होता है। यहां हम देखते हैं किंग और साइतामा गेम खेल रहे होते हैं और जैनोस अपने पार्ट्स रिपेयर कर रहा होता है और बैंग फ्लो पर लेटकर अपनी मसाज कर रहा होता है। फुबुकी अंदर आती है, उसे देखकर किंग सोचता है कि ये फुबुकी फिर से आ गई, और साइतामा तो फुबुकी की तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो अपना गेम खेलने में लगा रहता है। फुबुकी को देखकर जैनोस गुस्सा होता है और वो फुबुकी से पूछता है कि फुबुकी तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि साइतामा सेंसिए को कोई और स्टूडेंट नहीं चाहिए। यहाँ मजे की बात यह है कि जैनोस को ऐसा लगता है कि फुबुकी साइतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो साइतामा जैनोस को टाइम नहीं दे पाएगा। मैं टीचिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, ना कि उस वाले टाइम की। और हमें पता है साइतामा जैनोस को कुछ नहीं सिखाता और फुबुकी को भी साइतामा को अपना टीचर नहीं बनाना है। तो हम फिर से स्टोरी की ओर चलते हैं और अब हम देखते हैं सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। यह सब देखकर फुबुकी बहुत शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर हमें फुबुकी का एक फनी एंग्री फेस दिखाया जाता है जहां वो गुस्सा करते हुए साइतामा से कहती है, ये अब एक एमरजेंसी सिचुएशन है, मेरे आधा से ज्यादा ब्लिजहार्ड ग्रुप के मेंबर्स हॉस्पिटल में है और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने चारों ओर तहलका मचाया है और तुम साइतामा यहाँ बैठकर गेम खेल रहे हो। साइतामा उसे देखकर केयरलेसली बोलता है कि तुम यहाँ फिर से फूंकी और तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी एक काम से लौट आए हैं, हमें ब्रेक दो। यह बात सुनकर तो फुबुकी और ज्यादा गुस्सा होती है और वह साइतामा पर चिल्लाती है कि डोंट लाई डाउन योर बम। फुबुकी की ऐसी बात सुनकर जैनोस उसे कहता है कि तुम सेंसिए से ऐसे बात मत करो, तुम अकेली ही नहीं हो जिसने संकट का सामना किया है, हमने भी अभी एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराया है। इसके जवाब में फुबुकी जैनोस से कहती है कि यह तो मुझे दिख रहा है तुम्हारा चेहरा देखकर। फिर फुबुकी पूछती है कि किंग तो यहाँ पहले से ही आता जाता था, लेकिन अब ये सिल्वर फैंग क्या कर रहा है यहाँ। उसके जवाब में सिल्वर फैंग फुबुकी से कहता है कि मैंने साइतामा के साथ मिलकर फाइट करी थी और साइतामा इतना दयालु है कि उसने मुझे अपने घर में रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर जगह दी और फाइट के ओवरलोड के कारण मेरा पूरा शरीर अब दर्द कर रहा है। और फिर बॉम्ब भी बोलता है कि हमने बहुत समय बाद अपनी रोअरिंग और स्काइरिपिंग फिस्ट टेक्निक का उपयोग किया है। यह बातें सुनकर फुबुकी थोड़ी शांत होती है और फिर बोलती है कि अगर यह ऐसा है तो हमें अब बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना? मॉन्स्टर एसोसिएशन एक गंभीर मामला है। साइतामा, तुम अंदर से तो शांत लग रहे हो लेकिन गहराई से थोड़े नर्वस हो, है ना? यह बात सुनकर साइतामा फुबुकी से कहता है कि नहीं, यह पहले से कोई अलग नहीं है। साइतामा की यह बात सुनकर फुबुकी और ज्यादा गुस्सा होती है और हमें उसका फनी एंग्री फेस दिखाया जाता है और वह साइतामा पर चिल्ला के बोलती है कि यह इमरजेंसी स्थिति पहले से अलग कैसे है, तुम्हें सिचुएशन की कोई समझ नहीं है क्या? अब साइतामा किंग की ओर देखते हुए उसे पूछता है कि फुबुकी इतनी गुस्सा क्यों है। तो किंग साइतामा को जवाब देता है कि सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह स्थिति अब सही भी है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां फुबुकी एक टेबल के पास बैठकर साइतामा को बोलती है कि नीचे बैठो, हम एक रणनीति की योजना बनाने जा रहे हैं। साइतामा उसे बोलता है कि पहले तो तुम यह बताओ कि तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो। फिर फुबुकी जैनोस से पूछती है, जैनोस तुम एक एस क्लास हीरो हो, क्या तुमने हीरो एसोसिएशन का प्लान नहीं सुना है? यहाँ फुबुकी हीरो एसोसिएशन का, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन पर अटैक करने का प्लान है, उसके बारे में बता रही है। तब साइतामा जैनोस से कहता है, जैनोस उसे बताना ठीक होगा, तुम उसे बता दो। फिर जैनोस फुबुकी से कहता है कि कल से मेरे हाथ मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में मास्टर साइतामा का जय जयकार करने में और मॉन्स्टर से फाइट करने में बिजी थे और उसमें ही मेरा हीरो एसोसिएशन का ट्रांसमीटर भी पिघल गया। फिर बैंक भी बोलता है, मेरा भी टूट गया। और किंग बोलता है, मेरा तो साइतामा के पंच के कारण खराब हो गया। यह बातें सुनकर फुबुकी बोलती है, तो फिर आप लोगों की अब क्या करने की योजना बन रहे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स के खिलाफ युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। उसके जवाब में जैनोस बोलता है कि मुझे किसी और चीज से पहले अपनी मरम्मत पूरी करनी है, यानी अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और डॉक्टर कुसेनो ने मुझे फिर से अपग्रेड करने में पूरी रात बिताई थी, तब से अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और वो अभी भी आराम कर रहे होंगे, इसलिए मैं लगभग एक दिन के लिए काम से बाहर रहूंगा। फिर बैंक भी बोलता है कि मैं भी रेस्ट करने वाला हूँ मेरी पीठ हील होने तक, कोई भी इंसान बुढ़ापे को मात नहीं दे सकता है। इनकी बातें सुनकर फुबुकी किंग से पूछती है कि किंग तुम क्या करने वाले हो। किंग अटक अटक कर जवाब देता है कि कुछ और है जिसे मुझे पहले निपटा लेना होगा। सबकी यह बात सुनकर फुबुकी साइतामा से पूछती है, फिर तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अपना साइतामा एक फनी क्लूलेस फेस से फुबुकी के ओर देख रहा होता है। फिर फुबुकी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए, मेरा मानना कि हेड क्वार्टर के पास एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो एक ऑपरेशन की योजना बना रही हो। अभी अगर इस समय में हमारे जैसे बी क्लास के हीरोज भी अपना योगदान देंगे तो इसका हमें हीरो रैंकिंग पॉइंट्स में अच्छा खासा फायदा होगा।
लेकिन साइतामा अभी भी फुबुकी की ओर क्लूलेस चेहरे से देख रहा होता है। फुबुकी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि हमारा दुश्मन इस बार बड़ा संगठन है जिसमें सभी पावरफुल दरिंदे शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता कि वे अपने आप एक साथ आए हैं। वे एक शक्तिशाली बॉस की कमान में एक साथ जुटे हैं। और मैं यह बता देता हूँ कि फुबुकी की ये बात सच है। और मॉन्स्टर्स एसोसिएशन के पास वाकई में बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि सभी हीरोज को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आगे की स्टोरी लाइन में फाइट सीन्स नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। आपने जो सीजन 1 और 2 में देखा होगा उससे भी नेक्स्ट लेवल की फाइट आपको देखने को मिलने वाली है स्टोरी में। इसलिए मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की स्टोरी को देखने के लिए। अगर आप एक वन पंच मैन के फैन हो तो मेरे साथ बने रहिए। अब हम अपनी स्टोरी की ओर देखते हैं, जहां बैंग फुबुकी की ये बात सुनके बोलता है, अच्छा मॉन्स्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन, अगर गारोव ने उन्हें ज्वाइन कर लिया तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ये बात सुनके बॉम्ब बोलता है, हाँ हमें गारू पर फिर से हमला करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, और अगर उनके पास उस सेंटीपीड के लेवल के और भी मॉन्स्टर्स हैं तो बैंग मेरे भाई तुम्हें ये हीरो जॉब छोड़ देना चाहिए। फिर हमें किंग दिखाया जाता है जो कि साइतामा से कहता है कि साइतामा तुम जिस हीरो हंटर गारोव से मिलना चाहते थे वह भी उस घटना स्थल पर मौजूद था। फिर हमें साइतामा को दिखाया जाता है जो कि इतने लंबे डिस्कशन के बाद उसका माइंड हैंग हो गया होता है, और वह किंग को जवाब देता है कि हाँ हीरो एसोसिएशन ने मुझे रास्ते में बताया कि गारोव ने एक हीरोज के ग्रुप का शिकार किया। और फिर हमें साइतामा का फनी फेस दिखाया जाता है और वह बोलता है कि इससे भी बेकार बात तो यह है कि हीरो हंटर मेरा शिकार नहीं कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गंजा हो गया हूँ? ये बात अगर एनिमे में आप लोग सुनोगे तो बहुत हंसने वाले हो सब। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतामा अपना सूट पहन लेता है और वह जेनोस को बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। जेनोस चौंककर साइतामा से पूछता है कि सेंसिए क्या आपने गारोव का पता लगा लिया? और साइतामा जेनोस को जवाब देता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, और वैसे भी मुझे कैबेज भी खरीदनी है। इतनी सारे बातें यहाँ हो गई और अपनी फुबुकी अभी भी उसी टेबल के पास अपना नाराज चेहरा लटकाए हुए सोचती है कि वास्तव में तो मुझे यहाँ का इंचार्ज होना चाहिए, लेकिन ये सब लोग मुझे सीधे सीधे इग्नोर मार रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि साइतामा गैंग को अपने ग्रुप का पार्ट बनाना इतना मुश्किल होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़े बिल्डिंग को जिसमें नारांग की होता है, और उसके सामने 7 लोगों का एक ग्रुप होता है जिन्होंने एक विशेष प्रकार का सूट पहना होता है, और उनका नाम लिखा होता है नारांग की प्राइवेट स्क्वाड। नारांग की इन ग्रुप से संवाद साधते हुए बोलता है कि हीरो एसोसिएशन पूरी तरह से यूजलेस है, अब तुम लोग मुझे सुनो। मेरा बेटा वगानमा मॉन्स्टर्स के कब्जे में है और उन्होंने झेड सिटी के एक इलाके में उसे बंदी बनाया है। तुम लोगों को वहां जाके उसे बचना है। ये जो बैटल सूट तुम सबको मिला है यह एक सीक्रेट वेपन है जो कि मुझे मेरे हिडन सोर्सेज से मिला है, और इस सूट के यूज से तुम लोगों को बहुत ज्यादा सुपर पावर मिलेंगी जो तुम्हें इस बैटल में काम आएंगी। अगर तुम लोग इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं तुमको जितना चाहे उतना पैसा दे दूंगा, बस मेरे बेटे वगानमा को बचा लाओ। फिर हमें में दिखाया जाता है कि यह नारांग की प्राइवेट स्क्वाड अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है जोश के साथ। यहाँ इस एपिसोड या कहे चैप्टर का अंत होता है। अगर आप दर्शक अब तक मेरे साथ हैं तो आप सभी को मेरा बहुत शुक्रिया। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब